कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते कल अपने इंटरव्यू में कांग्रेस की वोट काटने वाली राजनीति पर कई तरह की बातें मीडिया के सामने रखी, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। अभी तक कटाक्ष बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रियंका पर पलटवार कर दिया है। मिली जानकारी की माने तो अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रियंका गांधी को लेकर कहा, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं, इसलिए उनके नेता बहाना बना रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस तरह के बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस ने कहीं भी कमजोर प्रत्याशी खड़े किए हैं, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करती। लोग कांग्रेस के साथ नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान देकर बहाने बना रहे हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।